क्या आप भी पार्ट टाइम वर्क करके पैसा कमाना चाहते हैं? अगर आप पार्ट टाइम वर्क करके पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एफिलिएट मार्केट से आप किस तरीके से पैसे कमाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपको कोई जॉब है, तो आप जो है जॉब तो करिए ही करिए, आप पार्ट टाइम इस तरीके से आप जो है जो मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही जेन्युइन तरीका है और आपको कोई भी फ्रॉड का शिकार नहीं होना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है जॉब करते हैं तो आपको पैसा लेके भाग जाता है और आपको जो है पेनल्टी भरने का भी धमकी देता रहता है कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं आपको ऐसा ही तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप पार्ट टाइम वर्क करके आप पैसे कमा सकते हैं, और ये जो है जेन्युइन तरीका है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। तो आपको कैसे पार्ट टाइम वर्क करके पैसे कमाना है जेन्युइन तरीका से, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एफिलिएट मार्केट से किस तरीके से आप जॉब करके पैसे कमा सकते हैं, कैसे पैसे कमाया जाता है एफिलिएट मार्केट से, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दिया हूँ, जिस लिंक पर जाने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पर ओपन हो सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो ब्राउज़र में टाइपिंग कर दीजिएगा affiliateprogram.amazon.in तब भी आप इस पे पेज पर ओपन हो सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि इस पे आप तीन तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहले तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग होकर आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, आप बहुत ही आसानी से इस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, जो कि आपके यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया वगैरह है, फेसबुक है, और उसके बाद ट्विटर है, जो भी है उस पर आप वहाँ पर लिंक शेयर करके आप बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और तीसरा है अर्निंग का, जैसे आपका जो कोई लिंक के थ्रू कोई परचेज होगी तो यहाँ देख रहे हैं कि 10% तक आपको ये जो एफिलिएट प्रोग्राम है इसके द्वारा आपको दी जाएगी। इसके बाद सिंपली हम यहाँ से करेंगे साइन अप इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे आपका लॉगिन पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ पे अपना जो पासवर्ड चूज करेंगे वो डालेंगे, यहाँ से आप कंसेंट देंगे, इसके बाद यहाँ लॉगिन कर लेंगे। तो आप पहले से अकाउंट बना रखे तो यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। अगर न्यू बना रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं क्रिएट अमेजन अकाउंट, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने का तब कुछ इस तरह से ये पेज ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे अपना पूरा नाम डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपका मेल आईडी डाल देंगे, यहाँ पर पासवर्ड आपका करेक्टर जो होना चाहिए एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे मेरा नाम इंजीनियर राजा तो शुरू का कैपिटल अक्षर, इसके बाद स्मॉल अक्षर, कोई स्पेशल करेक्टर और कोई नंबर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से पासवर्ड को दोबारा टाइप कर देंगे और इसके बाद यहाँ सिंपली कर देंगे क्रिएट और अमेजन अकाउंट, यहाँ सिंपली कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ देखिए कुछ इस तरह से ओपन होकर आ चुका है। तो चलिए मेरा ये मेल आईडी नहीं ले रहा है, मैं दूसरा डाल दिया। इसका सिंपली यहाँ पासवर्ड दोबारा से टाइप करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे, यहाँ सिंपली कर देंगे क्रिएट। सिंपली हम यहाँ करेंगे क्रिएट, क्रिएट करने के बाद देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो है वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इस पर यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सेवर अन्य जो भी करना है तो यहाँ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर नेवर कर देता हूँ। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा लगा कि मेरे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया हुआ, चलिए मैं अपने ईमेल आईडी पे ओटीपी मेल आईडी से निकाल लेता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे केस में यहाँ अमेजन की तरफ से मेल आईडी आ चुका है, तो सिंपली यहाँ देखिए मेरा ये पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पर सिंपली अब यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से सिंपली पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद यहाँ से सिंपली आप पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे। पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपली हम जाएंगे ब्राउज़र में, पासवर्ड को यहाँ हम कर देंगे पेस्ट, तो पासवर्ड के हम यहाँ पेस्ट करेंगे, इस बार सिमिल करने के लिए अपना ओके। तो ये देखिए कुछ इस तरह तरीके से ये मेरा ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी कमी जो डिटेल फिल करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एक अकाउंट यहाँ जो आपको फिल करना पड़ेगा, जो आपको जो भी कमीशन मिलेगा आपको वो किस बैंक अकाउंट में मिलेगा, तो वो भी बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको डालना है बैंक में जो नाम है वही आपको यहाँ पर डालना है, दूसरा कोई नाम नहीं डालना है। तो जो बैंक में नाम हो वही आपको यहाँ पर डालना है। इसका सिंपली यहाँ पर एड्रेस आपको टाइप कर देना है, यहाँ सिटी देना है, यहाँ स्टेट, यहाँ पिस्टल पिन कोड, पिन कोड होता है तो अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ कंट्री ऑलरेडी आ चुका है, इसका यहाँ पर सिंपली यहाँ जो देख रहे हैं फ़ोन नंबर, तो यहाँ सिंपली आप मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर सिम्पली सब कुछ डालने के बाद यहाँ सिंपली आपको यहाँ पर कर देना है नो नो पर, यहाँ पर सिम्पली कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सिंपली कोई आपको एक वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर देना है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर URL हो कोई हो तो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, जैसे आपको कोई जो वेबसाइट हो, और यहाँ से आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। चलिए मेरे पास केस में है वेबसाइट, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, इसमें कोई ये दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए मेरे केस में यहाँ है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ कर दीजिए ऐड, तो देखिए मेरे केस में ये लिंक जो है ऐड होके आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर अपना फेसबुक जो पेज है वो भी ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जिस जो भी हो गया यहाँ पर बहुत आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगी, आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ चुकी है। अब यहाँ पे अपना एक स्टोर आईडी भी डाल सकते हैं, जो भी आपका स्टोर आईडी डालना हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी वेबसाइट का लिंक डाले वो यहाँ पर आपका आ गया है, और जो भी आप मोबाइल का जो एप्लीकेशन का लिंक डालेंगे वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको डालना होगा कि आपकी वेबसाइट या आपका मोबाइल ऐप जो है वो किस बारे में, तो यहाँ से पे आप जाकर कुछ यहाँ पर टाइपिंग कर देंगे अपने बारे में। अगर आपके पास सोशल मीडिया पेज है तो वो किस बारे में, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। यहाँ पे आपको एक टॉपिक चूज कर लेना है आपकी वेबसाइट का, आपके मोबाइल ऐप का जो भी टॉपिक है, तो ये यहाँ से आप बहुत ही आसानी से चूज कर सकते हैं। जैसे बुक वगैरह है, ऑटोमेटिव है, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर है, फाइनेंस फाइनेंशियल है, तो यहाँ पे आप जो भी आपका जो टॉपिक है वो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से चूज कर सकते हैं, और उसको बहुत ही आसानी से आप डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। यहाँ देख रहे हैं कि सिलेक्ट सेकेंडरी टॉपिक जो भी यहाँ का टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक भी यहाँ पे यहाँ से डाल सकते हैं, जैसे आपका जो वेबसाइट हो गया, मोबाइल ऐप का जो भी हो गया, तो यहाँ से आप सिंपल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि अमेजोन के किन प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर, मोबाइल एप्लीकेशन पर, या अपने सोशल मीडिया पेजेस पर प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ कंप्यूटर, होम एंड गार्डन, ज्योग्राफिस, बुक, एलिमेंट, मूवी एंड म्यूजिक, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कि आपका वेबसाइट या मोबाइल ऐप जो है किस टाइप की है, तो सिंपली यहाँ से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पे है तो आप सिंपली अदर चूज कर लें। चलिए मैं अदर चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ नीचे पूछा जा रहा है कि आपके सोशल मीडिया पर जो ट्रैफिक कहाँ से आता है, तो यहाँ से आप उस बहुत ही आसानी से यहाँ से चूज कर सकते हैं आप जो ट्रैफिक आती है तो आती है कहाँ से। तो इसमें हम सोशल नेटवर्क चूज कर लेंगे, और साथ ही SEO चूज कर लेंगे, और सोशल नेटवर्क यहाँ से हम चूज कर लेंगे। नीचे आएंगे तो अपनी वेबसाइट और जो है मोबाइल पे जो है उस पर इनकम करने जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ से सिंपली हम यहाँ से जो भी है यहाँ से हम चूज कर लेंगे। चलिए हम अदर एफिलिएट प्रोग्राम चूज कर लेते हैं, और सेकेंडरी में जो भी आपको डालना है तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। और यहाँ पूछ रहा है कि आप लिंक कहाँ से बनाते हैं, तो चलिए हम यहाँ सिंपली अदर चूज कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट है, सोशल मीडिया ऐप है, या जो मोबाइल ऐप है उस पर कितनी प्लेयर्स हो जाते हैं, चलिए हम सिंपली यहाँ पे जो भी है चूज कर लेते हैं। और यहाँ पूछ रहा है कि अमेजोन से एसोसिएट प्रोग्राम का क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ हम सिंपल चूज कर लेंगे टू मोनेटाइज माय साइट। और यहाँ पूछ रहा है कि आप अमेजोन के बारे में कहाँ से सुना है, तो यहाँ जो भी आप जहाँ से सुना है तो यहाँ से सिंपली आप चूज कर सके डाल सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप जो कैप्चा है यहाँ कैप्चा आप फिल करेंगे, इसे कंसेंट देंगे, यहाँ कर देंगे फिनिश। तो फिनिश करते ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका एक एसोसिएट आईडी यहाँ पे आपकी बन चुकी है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए या सेव करके रख लीजिए, जिससे कि बाद में आप अपनी इनकम को ट्रैक कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको आप सेव करके कॉपी करके रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, यहाँ टैक्स नाप ओके करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना, जो पासवर्ड चूज किया था, इसके बाद सिंपली यहाँ करेंगे लॉगिन। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एक डालना होगा, चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो है तो उसमें मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP जाएगा, OTP जाकर आपको सिंपली कर देना है सर्च पे ओके। यहाँ सेंड OTP, प्लीज सेंड OTP पे ओके करेंगे, यहाँ आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, यहाँ से आप OTP डाल सकते हैं। OTP डालने के बाद सिंपली हम बढ़ेंगे आगे। OTP डालने के बाद सिंपली हम यहाँ करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू होने के बाद कुछ इस तरह से ये आपका पेज ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको चूज करना है पे मी बाय NEFT, तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही आप मिनिमम 1000 रुपया कमा लेंगे, तो ये जो है 1000 रुपया आपके डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आप अपना यहाँ पे अपने जो भी बैंक डिटेल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको बैंक होल्डर का नाम डालना है, जैसे ही बैंक में लिखा हुआ वैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे बैंक होल्डर का नाम, कोई दूसरा नहीं डालेंगे। इसको यहाँ देख रहे बैंक अकाउंट नंबर, जो भी बैंक अकाउंट नंबर वो यहाँ पर टाइप करेंगे, बहुत ही सही आप सही से टाइप करेंगे, गलती नहीं करेंगे। और इस दोबारा से फिर आपको क्या करना, कन्फर्म कर देना है। और यहाँ पर आपका बैंक नेम डाल देना, जो भी बैंक में आप जो अकाउंट है उस बैंक का नेम डाल देना है। और यहाँ पर आपको IFSC कोड भी डाल देना है यहाँ पर आपको। तो सब कुछ डालने के बाद सिंपल अब यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगी। तो आपका अकाउंट यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पासवर्ड 7 ईयर तो निर्भर करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपका अकाउंट अब सक्सेसफुली सेटअप कर दिया गया है। तो आपका अकाउंट बहुत तरीके से सेटअप हो चुका है और यहाँ पर आप पेमेंट नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है कि आपका जो है अकाउंट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर सिंपली हम देख रहे हैं कि चेंज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगी। आप यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करनी होगी तभी आप पेमेंट ले पाएंगे। चलिए हम फटाफट से जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पहले चूज कर लेंगे कौन से टैक्स क्लासिफिकेशन के आप अंदर आते हैं, जैसे बिजनेस है इंडिविजुअल तो हम इंडिविजुअल चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लीगल नेम डाल देना, जो भी आपके बैंक कार्ड पर लिखा हुआ तो जो अपने यहाँ पे लीगल नेम यहाँ पे डाल देंगे। तो इसके बाद नेम डालने का है स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद सिंपली आप इसको यहाँ पे नो कर दीजिए, नो करने का स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपका अपना पूरा नेम टाइप करेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ देख रहे सबमिट, सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी टैक्स इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप एक्सिट पे कलर क्लिक करके आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका पैनल है जहाँ से आप लिंक जेनरेट कर सकते हैं कहीं भी शेयर करने के लिए। आपकी जितनी भी अर्निंग्स होगी वो आप सब यहीं पे देख सकते हैं और यहीं से अपना पेमेंट मेथड भी कहीं भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम होम पे क्लिक करेंगे। अब हमें जिस भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है आप यहाँ पे उसका नाम डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ Realme 7i। तो रियल में जैसे हम 7i डालेंगे इसको सिंपली हम इसे कर देंगे सर्च। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर ये आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि Realme 7i का ये पूरा जो प्रोडक्ट है, अब मोबाइल का क्या टर्म कंडीशन है, कितने GB रैम है, कितना जो है इंटरनल एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे आप पूरा ये आपका यहाँ पे Realme 7i का यहाँ पूरा आपका शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ सिंपली आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीका से आप यहाँ का जो लिंक जनरेट हो गया शॉर्ट लिंक, हम इस पर क्लिक करेंगे। बगल वाले पे यहाँ पे मेरा शॉर्ट लिंक क्लिक हो चुका है। ये लिंक आप यहाँ से कॉपी करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब कहीं पे भी आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं और इसके थ्रू आपका कोई भी परचेज होगा आपको उस पर कमीशन मिलेगा। जैसे मैं कमीशन बता दिया हूँ 10% तक आपको यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है। अगर आपके लिंक से कोई भी आदमी जो परचेज किया और उसको परचेज करने के बाद खरीदारी किया तो आपको 10% आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई प्रिंटर से आपको सेल करना है, कोई लैपटॉप करना है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं लैपटॉप। लैपटॉप डालने का सिंपली यहाँ पर आप कर दीजिए सेव, आपको जितना भी लैपटॉप होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसमें से लैपटॉप में से जो भी आप लैपटॉप यहाँ से लिंक जनरेट यहाँ से लिख लीजिएगा कौन भी सस्ता और अच्छा लैपटॉप उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए और इस हिसाब से यहाँ पर लिंक सिलेक्ट करेंगे। ओके करने के बाद इस तरह से मेरा लिंक आ जाएगा यहाँ शॉर्ट पर, हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद मेरा शॉर्ट लिंक हो गया। इस पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, शॉर्ट लिंक पर हम क्लिक करने के बाद इस तरीके से हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम फेसबुक इंस्टाग्राम कोई सोशल मीडिया पर इसको हम बहुत ही आसानी से इसको हम भेज सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लिंक को बहुत ही आसानी से कहीं भी आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह कहीं भी इस लिंक को हम भेज सकते हैं। तो आपके लिंक के थ्रू कितनी सेल हो रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका टोटल आइटम कितना सेल हुआ वो यहाँ देख सकते हैं, टोटल अर्निंग आप कितना किए हैं वो यहाँ देख सकते हैं, टोटल ऑर्डर आइटम कितना हुआ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लिक जो है वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कौन भर्जन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ रिपोर्ट पर ओके करेंगे, इस पर ओके करेंगे। ओके करने वाला कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने टाइम पीरियड के हिसाब से आप अपने रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये रिपोर्ट कैसा है, या यहाँ पर पूरा आपका जो सुमेरी यहाँ पर आपका आया था देख रहे हैं
कि आप जो फीस समरी क्या है, बाउंड्रिक समरी क्या है, टोटल अर्निंग समरी क्या है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप अर्निंग का जो है रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ आप चूज करेंगे जो भी टाइम का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो जो यहाँ से आप चूज कर लेंगे कि 2 डे का देखना चाहते हैं, स्टरडे, लास्ट 7 डे, लास्ट 30 डे, आप प्रीवियस डे का या कस्टम डे रेंज का जो भी देखना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑल का देखना तो आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक तो है ही, इस तरीके से ऑल का भी आप देख सकते हैं। तो जितने टाइप का टाइम का आप देखेंगे उतने ही टाइम का यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ अप्लाई करते हैं तो उतना ही टाइम का ये रिपोर्ट हमको ये शो करे कि आप देख रहे हैं कि उतना ही टाइम का जो रिपोर्ट अर्निंग वगैरह है तो ये शो कर देगी इस पर। इसके बाद यहाँ हम अपने अकाउंट पर ओके करेंगे, यहाँ पेमेंट हिस्ट्री पर हम ओके करेंगे। तो इसे करने के बाद यहाँ पर हम अपने पेमेंट देख सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं अन पेमेंट बैलेंस, जो भी मेरा पेमेंट यहाँ पर होगा जो मेरा पेमेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप आ जाएगा कि आप कितना अमाउंट आप कमाए सो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी आपको जैसे सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब या ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कोई भी हो गया, वो आपका वेबसाइट आपको डाल देनी चाहिए, नहीं तो ये जाके आगे आगे कुछ प्रॉब्लम कर देती है। तो इस हिसाब से आपको वहाँ पर जो वेबसाइट वगैरह हो आपको डाल दो, उसकी लिंक वहाँ पर आप डाल देनी चाहिए। तो बहुत सारा ऐसा केस है जिसमें जो जो अकाउंट होता है जो ब्राउजर में होता है और जो भी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह का जो भी वेबसाइट वगैरह होता है वो नहीं डालता है, तो वो अकाउंट जो है ना कि जो वो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो आपको कोई भी सा अभी के टाइम में तो बहुत सारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह का लिंक आपको मिल जाता है, तो कोई भी लिंक सा आप उसमें जो है डाल दीजिएगा और इस तरीके से आपका जो ये अकाउंट है ये वाला वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा और बन जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से यहाँ से आप लिंक को जनरेट कीजिएगा और सोशल मीडिया पर कहीं भी आप शेयर कीजिएगा। जैसे ही शेयर कीजिएगा अगर आपके लिंक के थ्रू परचेज होता है तो आपको 10% का कमीशन आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।